दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल का सादर प्रणाम। आज हम अपना परिचय देने जा रहे हैं। लोग बार बार बोलते हैं, बोले आप गुजरात से बात कर रहे हो क्या, आप गुजराती हो क्या? तो मैंने बोला भाई मैं गुजराती हूँ और अहमदाबाद में रहता हूँ, ताकि देश की जनता को पता चले कि दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल अहमदाबाद रहते हैं, बराबर। और वैसे मेरा नेटिव है मेहसाणा के अंदर कुकस गांव है, वो मेरा नेटिव है, वो भी बहुत प्रचलित है। तो आज दर्शकों की एक डिमांड थी और दर्शकों के मन के अंदर एक प्रश्न मुरझा रहा था कि आप गुजरात में कहाँ पर रहते हो, तो आज हमने उसकी भी जानकारी दे दी। अब ये जो 26 मई 2021 के रोज जो ग्रहण होने वाला है, उसके ऊपर हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं। समय दोपहर को 3:14 पर ये ग्रहण होने वाला है। 23 मई 2021 से दोपहर को 2:50 से 11 अक्टूबर सुबह 7:48 तक, यानी कि 141 दिन तक शनि वक्रीय रहने वाला है। अब देखिए, कन्या लग्न की कुंडली है, वृश्चिक राशि में चंद्र और केतु, और चंद्र अनुराधा नक्षत्र का है। मकर राशि में शनि वक्रीय है और श्रवण नक्षत्र का है। कुंभ राशि में गुरु है। वृषभ राशि में सूर्य शुक्र राहु है। मिथुन राशि में मंगल बुध है। अब देखिए, इस कुंडली का सबसे बड़ा पॉइंट चंद्र अनुराधा नक्षत्र में, यानी कि शनि का नक्षत्र है, और पांचवें स्थान में शनि वक्रीय है, और वो भी शनि श्रवण नक्षत्र यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र में है। यह एक ग्रहण का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। गुरु कुंभ में है, वृषभ राशि में सूर्य शुक्र राहु है, लग्नेश बुध स्वग्रही, और रोग स्थान पराक्रम स्थान में शनि मंगल के साथ है। मंगल शनि तामसिक प्रकृति के ग्रह है। मंगल ब्लड का कारक है, मंगल लोहे का कारक है। मंगल की दृष्टि शनि पर पड़ने से मेडिकल इंस्ट्रूमेंट या तो दवाइयों का ब्लैकिंग यानी कि काला बाजार होता है। यह जो कोरोना एक अंतर्राष्ट्रीय कंपाउंड देखने को मिलता है, यह कंपाउंड भारत को अपने पैर पर खड़ा नहीं होने देने का अन्य दुश्मन देश का स्वप्न है। आए दिन नए नए कोरोना दूसरे रूप में भारत में फैलाया जाता है, ताकि भारत का प्रोग्रेस न हो। अपने ही देश में कुछ चीटर लोग व्यापार में क्रय विक्रय से लाभ उठाने वाले होते हैं, जिससे देश की जनता को, मजदूर वर्ग को हानि पहुंचाने और अपने हित के लिए कुछ भी करने को ये लोग तैयार रहते हैं, जिससे सरकार की और नरेंद्र मोदी जी की प्रतिष्ठा को लांछन लगे। मगर सरकार को ऐसे लोगों पर सख्त कार्यवाही करके, भारी जुर्माना करके लंबे समय की आखिरी जेल की सजा करनी चाहिए, ताकि गुनहगार गुनाह करने से पहले 100 सोच ले। ये लोग पेशेंट के साथ चीटिंग करके अपने हितों की रक्षा करने में सर्वोपरि रहते हैं, मगर घटिया मनोवृत्ति होने से इन्हें जीवन में विशेष उपलब्धियां प्राप्त नहीं होती। कुछ समय के लिए ऐसे लोग, ऐसे राष्ट्र दूसरों की निंदा के पात्र भी बन जाते हैं। आखिर कुदरत ही सर्वोपरि है, इस बात का सबको ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि कुदरत बैलेंस करती है, कुदरत भूल नहीं करती है। अब देखिए, धनेश शुक्र भाग्य भुवन में राहु से पीड़ित होकर बॉलीवुड इंडस्ट्री हिंदू आराध्यों का अपमान कर कमाते हैं पैसा। ये लोग हिंदू देवी देवता और प्रधानमंत्री के गलत तौर तरीके से पैसा पेश कर हिंदू समुदाय को गुमराह कर पैसे कमाते हैं,
और हिंदुओं को बेवकूफ़ समझते हैं। ऐसे लोग बहुसंख्यक समुदाय के आराध्य देवी देवताओं को गलत तरह से दिखाकर इसके जरिए पैसा कमाना चाहते हैं और देश की उदार और सहिष्णु परंपरा का फायदा उठाना चाहते हैं। मगर हिंदू फिल्म मेकर्स लगातार गलत तरह से हिंदू देवी देवताओं को अभी तक दिखा रहे हैं। लास्ट फिल्म तांडव में क्या था, पीके और ओ माय गॉड आदि में समय रहते इस पर अंकुश नहीं लगाया, ऐसे समय रहने पर अंकुश नहीं लगाया गया तो इसके भारतीय सामाजिक धार्मिक और सांप्रदायिक स्थिति के लिए विध्वंसक परिणाम हो गए। दूसरी तरह सवर्ण और दलित जातियों के बीच दूरी बढ़ाए जाने का काम किया है। ऐसे फिल्मों को सेंसर बोर्ड पास किस तरह से करते हैं, सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष को भी सजा होनी चाहिए तब ये लोग सुधरेंगे। तो ये ग्रहण के अंदर हम इतना गारंटी के साथ कहते हैं कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय कंपाउंड है। ये कोरोना की असर भारत में ही क्यों बढ़ रही है, देश की जनता को मालूम नहीं है। देश को तो ऐसा है कि ये पूरे विश्व के अंदर है, मगर अभी जो तीसरी लहर आई उसका सबसे ज़्यादा असर पूरे भारत देश के अंदर है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अभी आप अलर्ट नहीं होगे तो फिर कभी भी अलर्ट नहीं होगे। और प्रधानमंत्री को बदनाम करने का कार्य मत कीजिए, क्योंकि जहाँ तक प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी वहाँ तक ही आपकी सेफ्टी है, इस बात की हम गारंटी देते हैं। तो दर्शकों को हम आज भी कहते हैं इस देश के उद्धार के लिए, भारत के उद्धार के लिए भारत का झंडा पूरे विश्व के अंदर लहराएगा और नरेंद्र मोदी जी के शासन के अंदर ही लहराएगा। तो नरेंद्र मोदी जी का खुद तन तोड़ मेहनत कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के आगे पीछे कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का जीवन क्या है, एक साधु की और दिखता है। नरेंद्र मोदी सिर्फ एक साधु ही है जिसके विचार सादा, उसका नाम साधु, ये एक कहावत है। तो आज हमने ग्रहण के बारे में भी दर्शकों को बता दिया, ये ग्रहण की अशुभ असर अभी भी रहने वाली है। जो ये तीसरी लहर आई उसके अंदर लोगों को आँखों की और होठों की और मुंह पे असर होएगी। तो इसके लिए देश के प्रधानमंत्री की आज्ञा के मुताबिक चलना सीखिए और देश का प्रगति के अंदर आप रोड़े मत डालिए। नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करिए, इसमें ही पूरे देश की और भारत के संविधान की रक्षा करने में नरेंद्र मोदी जी सक्षम साबित हो गए, ये हमारी गारंटी है। आज हमने इस ग्रहण के बारे में प्रोग्राम कर लिया। अब जो भी दर्शक हमारा कांटेक्ट करना चाहता है, हमारा कांटेक्ट नंबर है 9638420321। सभी दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल का सादर प्रणाम।